नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSA ट्रेकी क्लासेस में। तो NTPC मेरा संघर्ष इस बार बस चाहिए ही चाहिए। अगर आपके अंदर भी है जुनून तो बिल्कुल 40 में से 20 क्वेश्चन आज आपको बिल्कुल सही करके दिखाना है। तो देखते हैं दोस्तों आज आप लोग इस क्लास में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद सही कर पाते हैं। तो अगर आप लोग आज इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ये सारी वीडियो मिल सके, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों अगर आप लोग को पहले नोटिफिकेशन चाहिए, क्लास से पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करना है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि आपको क्लास शुरू होने से पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के आपके संघर्ष को। तो देखते हैं दोस्तों कितना आपके संघर्ष, कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके तैयार हो चुके हैं। आइए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा आपके पास, एलवर्ट बिल विवाद किससे रिलेटेड था। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एलवर्ट बिल विवाद ये किससे रिलेटेड है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और आपको दे रखा है ऑप्शन डी। तो एलवर्ट बिल का विरोध करने वालों में चाय बागान मालिक अंग्रेज व नील उगाने वाले थे जो बंगाल से रिलेटेड है। तो आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी वाला। यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता का हटाए जाना, ठीक है। तो जिनका भी आंसर यहां से आ रहा है सी, बिल्कुल आपका राइट होगा, परफेक्ट होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, साथियों वीडियो अगर आपको पसंद आए, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही एक्सपेक्टेड टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है, लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति या फिर होगा याचिका समिति, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ से आपका सही जवाब होगा प्राकलन समिति। तो जिनका भी दोस्तों आंसर यहाँ से आ रहा है प्राकलन समिति, तो बिल्कुल आपका राइट होगा, परफेक्ट हो जाएगा। अब ले चलते हैं आपको आगे, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जो है सितंबर 2, 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बताइए निम्नलिखित में से कौन 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आएगा, अबुल कलाम आज़ाद। तो जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है बी, अबुल कलाम आज़ाद, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा, परफेक्ट होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक आपका फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त स्वैप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। तो क्या होगा आपका राइट आंसर, ए, बी, सी या फिर डी। तो दोस्तों आपको बताते हैं यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है। तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है बी, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा, परफेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए इसको बताइए दोस्तों, एक पारिस्थितिक तंत्र के लिए प्रेरक बल होता है सौर ऊर्जा, वनस्पति, उत्पादक या फिर आपका होगा जैव ईंधन। तो आइए आपको बताते हैं 22 क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा, जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है ए, गुड इवनिंग, सौर ऊर्जा, बिल्कुल आपका राइट होगा, परफेक्ट होगा। अब देखिए हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको बताएंगे साथियों, भारत के इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था, श्रमण या फिर परिवाचरक या फिर आपका अग्रहारिक या फिर हो जाएगा मागध। तो देखिए आपको बताते हैं यहाँ से 23 क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ये होगा आपका मागध। तो जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है डी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, आप सभी लोग बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आपका मनाया जाता है 29 जुलाई को 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग रूस में हुए बाघ सम्मेलन में 29 जुलाई को प्रतिवर्ष इस सम्मेलन को मनाने का निर्णय लिया गया। तो आपका राइट आंसर होगा 29 जुलाई। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, आप सभी लोग बताइए यहाँ पर, सूक्ष्म तरंग ओवन किस प्रकार की तरंग का प्रयोग करता है। दोस्तों सूक्ष्म तरंग ओवन किस प्रकार की तरंग का प्रयोग करता है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन डी आएगा, स्मॉल वेव लेंथ इन द इनविजिबल रेंज, ठीक है। तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है स्मॉल वेव लेंथ इन द इनविजिबल रेंज, बिल्कुल आप
का राइट होगा, परफेक्ट होगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको आप लोग बताएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। जब एक लोहे की कील को, सुनिए ध्यान से, जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाया जाता है तो लोहे की कील का रंग हल्का भूरा हो जाता है और कुछ समय के बाद कॉपर सल्फेट के घोल का रंग जो है नीला रंग जो है फीका पड़ जाता है। तो यह जो अभिक्रिया है किसका उदाहरण है? कॉम्बिनेशन, या फिर हो जाएगा आपका रासायनिक अपघटन, ठीक है, या फिर होगा रासायनिक विस्थापन, या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले ही पढ़ाया है और 29 क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है रासायनिक विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड। तो आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा रासायनिक विस्थापन, जो कि बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों बढ़ते हम लोग यहाँ से आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए, इमली के रस का प्रयोग मदद करता है, साथियों भोजन में इमली के रस का प्रयोग मदद करता है किस चीज़ के लिए? तो 30 क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा पेयजल में फ्लोराइड की अधिकता को संतुलित करने के लिए, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा पेयजल में फ्लोराइड की अधिकता को संतुलित करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो जिनका भी आंसर यहाँ से बी आ रहा है उनका बिल्कुल राइट होगा, परफेक्ट होगा। अब ले चलते हैं आपको और आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए, यदि अलवर जल की स्वस्थ मछली को लवर जल में रख दिया जाए, मतलब अगर मीठे पानी की मछली को खारे पानी में डाल दिया जाए तो क्या होगा? तो ऐसे में दोस्तों मछली जो है निर्जलित होकर मर जाएगी और आपका राइट आंसर हो जाएगा विकम डिहाइड्रेटेड एंड डाइज। जिनका भी आंसर आज ए आ रहा है उन सभी का बिल्कुल राइट है। क्लास अगर आपको इम्पॉर्टेंट लगे, हेल्पफुल लगे, तो आप सभी लोग वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि इस क्लास के क्वेश्चन पेपर को सभी अटेम्प्ट कर सकें। टारगेट आपका है 40 में से 20 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होने चाहिए और लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस एक की उच्चतम ऊर्जा होती है? अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, या फिर एक्स रे? तो 33 क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, गामा रे, बिल्कुल आपका राइट होगा, परफेक्ट होगा। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे। गैसों को पदार्थ के दूसरे रूपों में कैसे विभेदित किया जा सकता है? गैसों को पदार्थ के दूसरे रूपों में कैसे विभेदित किया जा सकता है? रंग का अभाव, बहने की योग्यता, स्वतंत्र सतह बनाने की अयोग्यता, या फिर आपका हो जाएगा उत्प्लावन बल लगाने की अयोग्यता, ठीक है। तो आइए आपको बताते हैं यहाँ से 34 क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा स्वतंत्र सतह बनाने की अयोग्यता। जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है सी, बिल्कुल आपका राइट होगा, परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों बढ़ते हम लोग यहाँ से आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? उभयचर, सरीसृप, स्तनपाई, या फिर आपका हो जाएगा कीट? 35 क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए है, उभयचर, यानी कि एम्फीबियन। अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए आप लोग, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक स्तनधारियों के लिए सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उनके हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं, उनके हृदय में जो आपके 3 कोष्ठ होते हैं, ये आपका बिल्कुल राइट होगा, परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? वेरी गुड, 38 क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा, अनाज कार्बोहाइड्रेट्स के अत्यंत अल्प स्रोत होते हैं, अनाज कार्बोहाइड्रेट्स के अत्यंत अल्प स्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपेक्षाकृत वृद्ध लोगों में कर्क रोग अधिक आम होता है क्योंकि? देखिए वृद्ध लोगों में कैंसर इसलिए हो जाता है आम है क्योंकि, आपको बता दें उनमें अधिक मात्रा में उत्परिवर्तन संचित हो गए होते हैं इसलिए, ठीक है। कैंसर एक घातक बीमारी है, इस रोग में कोशिका वृद्धि अनियंत्रित हो जाती है, परिणाम स्वरूप कोशिकाओं में अनियमित गुच्छा बन जाता है और इसी अनियमित कोशिकाओं के गुच्छे को बोलते हैं कैंसर। वृद्ध व्यक्तियों में कैंसर अधिक होता है क्योंकि उत्परिवर्तन की मात्रा अधिक संचित हो गए होते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से, देयर हैव एक्यूमुलेटेड मोर म्यूटेशंस, दैट्स अ परफेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, इन सॉइल वाटर दैट इज रेडली अवेलेबल्स टू प्लांट रूट इज ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर, ठीक है, या फिर आपका हो जाएगा हाइग्रोस्कोपिक वाटर, या फिर बाउंड वाटर।
तो आइए दोस्तों आपको बताते हैं हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी होगा कैपिलरी वाटर यानी कि केशिका जल, जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है बी, बिल्कुल राइट होगा, परफेक्ट होगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ आगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है वेरी इंपॉर्टेंट, पानी एक श्रेष्ठ शीतलक है और कारों, बसों और ट्रकों आदि के इंजनों को ठंडा करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, यह इसलिए कि पानी क्या करे। तो 41 का आपका जाएगा दोस्तों, इसकी विशिष्ट ऊष्मा, इसकी जो उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है इसलिए हाई स्पेसिफिक हीट। तो जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है ए, बिल्कुल राइट होगा, परफेक्ट होगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको बताइए भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा, अभी मैंने 35 क्वेश्चन कराने दिए हैं जो आपका स्कोर 35 हो गया, तो खुशी अभी नहीं, जब पूरा पेपर हो जाए तब आप लोग खुशी मनाएगा, अभी 35 क्वेश्चन नहीं हुए हैं, अभी सिर्फ आपके जो 20 क्वेश्चन हुए, ठीक है। अब इसको देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था। तो 43 क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन डी है, सोवियत संघ में राजदूत, ठीक है। तो जिनका भी दोस्तों आंसर यहाँ से आ रहा है सोवियत संघ में राजदूत, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा, परफेक्ट होगा, क्लियर है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण यह उपबंध क्या है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी और डी। 44 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, बिल्कुल राइट होगा, परफेक्ट होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए दोस्तों भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 371 के जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मिजोरम या फिर आपका हो जाएगा नागालैंड। 46 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से मिजोरम। तो 371 जी जो है आपका, ये आपका मिजोरम से रिलेटेड है। जिनका भी आंसर मिजोरम आ रहा है बिल्कुल राइट होगा, परफेक्ट होगा। क्लास आज की बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रेलवे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है NTPC के लिए, तो बस आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, बाकी हमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलते जाएंगे मैं आपको सारे कंप्लीट करवाता रहूँगा, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। अब आपका जो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, आधारभूत ढांचा का संवैधानिक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा आविष्कृत है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका या फिर होगा आपका सिविल समाज, सिविल सोसाइटी। 49 क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका होगा ऑप्शन बी आएगा, जजश्री यानी कि न्यायपालिका। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका न्यायपालिका, दैट्स अ परफेक्ट आंसर। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको आप सभी को बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दोस्तों, अब आपको यहाँ से बताना है निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, हैवियस कॉर्पस, मैंडिबस, ठीक है ना, शॉर्ट ऑररी या फिर हो जाएगा दोस्तों क्यूको वारंटो, दोस्तों ठीक है ना, क्यू वारंटो। तो आपका यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 51 क्वेश्चन का ये क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा हैवियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। जिनका भी आंसर यहाँ से ए आ रहा है बिल्कुल आपका राइट होगा, परफेक्ट होगा। अब मैं आपको बता दूँ और कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पढ़ लेने चाहिए, पहले पढ़िए क्वेश्चन आपसे क्या इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रताएं भारत के संविधान में मूल अधिकार के रूप में विशेष रूप से उल्लिखित नहीं है किंतु बाद में उच्चतम न्यायालय के द्वारा उसे उस रूप में मान्य ठहराई गई हैं। तो आपके सामने यहाँ पर चार ऑप्शन है, चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, ए बी सी या फिर डी। हाँ बिल्कुल आपने राइट बताया। तो दोस्तों ये जो 54 क्वेश्चन जो आपको दिया गया है इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है। तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है फ्रीडम ऑफ प्रेस, दैट्स अ परफेक्ट, वेरी गुड। भारत के संविधान मूल अधिकारों के तहत स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 19 के अंतर्गत 6 अधिकारों की रक्षा करता है,
बोलने व वॉक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल नंबर 19। तो आपका आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, डी वाला परफेक्ट होगा। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है इसको देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। दीन बंधु मित्र ने बांग्ला में एक नाटक प्रकाशित किया जिसका शीर्षक था नील दर्पण, यानी कि आपका हो जाएगा ब्लू मिरर, जिसने नील की खेती करने वाले पर अत्याचार को दर्शाया। तो नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया, तो इस नाटक का अंग्रेजी में जो अनुवाद है ये किसके द्वारा किया गया है, ये आप सभी को बताना है, ठीक है। तो आइए मैं आपको बता दूं, यहाँ से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 59 क्वेश्चन का, ये होगा माइकल मधुसूदन दत्त, ठीक है। पहले माइकल, फिर आगे मधुसूदन, फिर दत्त। तो जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है सी, बिल्कुल आपका राइट होगा, परफेक्ट होगा। क्लियर हो गया इतनी बात, 59 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी वाला हो जाएगा। तो माइकल मधुसूदन दत्त ने द इंडिगो मिरर नामक शीर्षक से इसको जो है इसका अनुवाद किया है। इसका नाम है द इंडिगो मिरर। क्या नाम है दोस्तों यहाँ से, द इंडिगो मिरर, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हम लोग यहाँ से आगे, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंट सही नहीं है, ब्रह्म समाज के बारे में दोस्तों जो है इसमें से जो है कौन सा पॉइंट सही नहीं है। तो दोस्तों 60 क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा ये होगा, इसने वैदिक धर्म ग्रंथों को अमोद समझा, ठीक है ना। तो जिनका भी दोस्तों आंसर यहाँ से आ रहा है ए वाला, बिल्कुल राइट होगा। इसने वैदिक धर्म ग्रंथों को अमोघ समझा, ये आपका बिल्कुल राइट होगा, परफेक्ट होगा। इसके बाद आपको ले चलते हैं आगे, और कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पढ़ लेने चाहिए। संगम, सलूप, तुलूप के शासक राजवंश किससे संबंधित हैं, इसको बताइए आप लोग, वारंगल, कश्मीर, बंगाल, या फिर आपका हो जाएगा विजयनगर। तो 61 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से विजयनगर, ठीक है। तो जिनका भी आंसर यहाँ से विजयनगर आ रहा है, बिल्कुल आपका राइट होगा, परफेक्ट होगा। संगम, सलूप, तुलूप, ये किसके जो है दोस्तों, ये जो है ये शासक राजवंश किससे रिलेटेड है, विजयनगर से हैं। तो आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा डी वाला। अब हम लोग चल रहे हैं आपको आगे, हमारा जो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है इसको देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, अब आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिए। मोपला जो है किसान संघर्ष कहाँ हुआ था दोस्तों, मोपला जो है किसान संघर्ष ये आपका कहाँ हुआ था। तो 63 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा मालाबार में। तो मोपला किसान संघर्ष कहाँ हुआ था, ये आपका मालाबार में हुआ था, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन सी है, मालाबार। देखिए कुछ क्वेश्चन जो हैं बड़े हैं, पूरी स्क्रीन पर नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए मैं दो पार्ट में दिखाता हूं। पहले क्वेश्चन को मैं कहता हूं, ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको ऑप्शन बताता हूं, उनको देखकर आप लोग बता सकते हैं कि आपका राइट आंसर क्या होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग यहां से आगे, हमारा जो अगला क्वेश्चन आपके सामने है इसको देखिए। स्थापत्य कला की नागर शैली अधिकांशतः कहाँ विकसित हुई, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो दोस्तों 64 क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन बी है, उत्तर भारत में, ठीक है ना। तो जिनका भी आंसर यहाँ से उत्तर भारत आ रहा है, बिल्कुल आपका राइट होगा, परफेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब ले चलते हैं आपको आगे, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। ये क्वेश्चन भी आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। तो कौन सा इसमें जो आपका सुमेलित नहीं, जैसे कि लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, लॉर्ड विलियम बेंटिक अंग्रेजी शिक्षा, वॉरेन हेस्टिंग्स स्थानीय स्वशासन, लॉर्ड रिटन वर्नाकुलस प्रेस एक्ट। तो इनमें से दोस्तों आपका जो है कौन सा जो है सही नहीं दिया गया, इसको देखिए और बताइए। 65 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बताते हैं सी वाला आपका जो है यहाँ पर सही नहीं है। 65 का आंसर आपका हो जाएगा सी वाला, ठीक है। लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव लाया था लॉर्ड रिपन, ना कि हेस्टिंग्स। तो सी वाला हो जाएगा गलत, और आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लॉर्ड रिपन होगा, ये लाया था प्रस्ताव आपका। इसी को जो है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, इसका नाम है लॉर्ड रिपन। अब ले चलते हैं आपको आगे, हमारा जो अगला क्वेश्चन आपके सामने है इसको देखिए दोस्तों। प्लासी का जो युद्ध है, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से। प्लासी के युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण था, तो प्लासी के युद्ध का रीज़न क्या है। अब आपके सामने यहाँ पर चार ऑप्शन है, ए बी सी डी, और बताइए क्या आपका सही जवाब क्या होगा। तो 67 क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा,
अंग्रेजों ने कलकत्ते की किलेबंदी शुरू कर दी थी, ये था आपका रीजन। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है कि अंग्रेजों ने कलकत्ते की जो है किलेबंदी शुरू कर दी थी। क्लास कब होता है इसकी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो अगर आप लोग नए हैं तो टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, कर लीजिएगा तो आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब ले चलते हैं आपको आगे, हमारा जो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है इसको बताइए। दोस्तों अब आपको यहाँ से बताना है कि बौद्ध सिद्धांत के अनुसार शिला के अनुपालन और समाधि व प्रज्ञा की प्राप्ति से जो है निर्वाण प्राप्त होता है। यहाँ शिला से क्या मतलब है? दोस्तों शिला से मतलब क्या है? मेंटल कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल, डेवलपमेंट ऑफ इनसाइट, या फिर आ जाएगा आपका यहाँ से गहन तपस्या। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और मैं आपको बता दूँ 68 क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा फिजिकल कंट्रोल, यानी हो जाएगा शारीरिक नियंत्रण। ठीक है, तो जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है शारीरिक नियंत्रण, बिल्कुल आपका राइट होगा, परफेक्ट हो जाएगा। अब ले चलते हैं आपको आगे, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए इसको बताइए। अब राजा है और एक तरफ आपको क्षेत्र दे रखे हैं और आपके तीसरी तरफ आपको जो है यहाँ पर इनको मैच करके करना है। ठीक है, चलिए अब आपको बताते हैं यहाँ पर क्या होगा इसका राइट आंसर, इसको देखिए। राजा, शशांक, खारवेल, ये सब आपको दिया गया है। देखिए 69 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शशांक राजा थे आपके, चलिए मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। शशांक राजा जो है दोस्तों ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं? बंगाल के। शशांक आपके हैं बंगाल के हैं, और खारवेल राजा हैं उड़ीसा के, और सिमुक ये महाराष्ट्र के हैं, और भास्कर वर्मन ये आपके असम के हैं। यानी कि दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 4321। तो जिनका भी आंसर सी आ रहा है बिल्कुल राइट है, परफेक्ट है। अब ले चलते हैं आपको आगे, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए इसको बताइए। इन भगवानों में से किसको लोकपाल या ब्रह्मांड, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ब्रह्मांड यानी कि विश्व के संरक्षक रूप में जाना जाता है? यम, इंद्र, वरुण और कुबेर, इंद्र, वरुण, स्कंद और कुबेर, या फिर आपका हो जाएगा यहाँ से इंद्र, वरुण, यम और ब्रह्मा, या फिर आपका हो जाएगा यम, शिव, कुबेर और इंद्र। तो आपको बताना है कि इन सभी भगवानों में से किसको लोकपाल या ब्रह्मांड के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। 71 क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा, हिंदू धर्म के मुताबिक इस ब्रह्मांड के संरक्षक के रूप में चारों दिशाओं के स्वामी, जिनमें कुबेर उत्तर, यम दक्षिण, इंद्र पूर्व और वरुण पश्चिम हैं। तो विष्णु पुराण में 8 लोकपालों का उल्लेख मिलता है, जिनमें इंद्र, यम, वरुण, कुबेर, विवास्वत, सोम, अग्नि और वायु शामिल है। तो आपका आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। समझ में आया? देखिए चार दिशाएं आपकी होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो आपके उत्तर में हो गए कुबेर, उत्तर में हो गए कुबेर, दक्षिण में हो गए आपके यम, ठीक है ना, और पूर्व में आपके हो गए इंद्र, और पश्चिम दिशा में आपके हो गए वरुण। समझ में आ गया आपको? तो ये आपके चार दिए गए हैं यहाँ पर। अब ले चलते हैं आपको आगे, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए इसको बताइए। अब एक तरफ हमने यहाँ पर लिए संपादक और एक तरफ लिए समाचार पत्र, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए इसको बताइए। एस ए डांगे ये संपादक थे दी सोशलिस्ट के। दोस्तों डांगे जो थे, डांगे थे सोशलिस्ट के, ठीक है। फिर आपको दोस्तों दे रखा है यहाँ पर मुजफ्फर अहमद, ये हैं आपके नवयुग के संपादक। गुलाम हुसैन ये थे आपके इंकलाब के, और एम सिंगारवेल के थे, ये थे आपके लेबर किसान गजट। तो यहाँ से आपका आंसर होगा 4321। जिनका भी आ रहा है यहाँ से ए, बिल्कुल आपका राइट होगा, परफेक्ट हो जाएगा। सॉरी, क्लियर हो गई इतनी बात? अब दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ से, एक तरफ आपके हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन और है लोकेशन, तो कौन सा तूफान चक्रवात कहाँ आता है, इनका क्या नाम है, आइए देखते हैं। तो 76 क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चक्रवात प्रबंधन यानी कि हरिकेन्स, टाइफून और आपका विली विलेज। तो चक्रवात आपका भारत में बोलते हैं, भारत में बोलते हैं इसको चक्रवात, और जो आपका आ रहा है ये यूएसए में बोलते हैं हरिकेन, ये हो जाएगा टाइफून पूर्व एशिया, और विली विलेज ये ऑस्ट्रेलिया में। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 4123। जिनका भी आंसर आ रहा है बी, बिल्कुल राइट होगा, सही जवाब होगा आपका 4123। दोस्तों खुशबू मठ निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, आप लोग जानते होंगे कि ये जो आपका मठ पड़ता है ये कहाँ पर आपका है? इंडिया में, थाईलैंड, चाइना या फिर जापान में?
चलिए बताइए खुशबुम कहाँ है पर है आपका, तो 80 क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए खुशबुम मठ जो है चीन के क्विंझाई में स्थित है, कहाँ पर, तो ये चाइना के क्विंझाई में पड़ता है और इसकी स्थापना जो 1583 में हुई थी और ये जो दलाई लामा तृतीय ने जे तेंगसो गप्पाई के सम्मान में बनवाया था, तो आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा चाइना। ठीक है, तो खुशबुम दोस्तों कहाँ पर आपका, खुशबुम है आपका चाइना में। अब ले चलते हैं आपको आगे, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्र जल की लवणता घटती है, तो आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 82 का, डी वाला हो जाएगा अधिक वर्षा होती है। तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है ज़्यादा वर्षा होती है बिल्कुल राइट होगा, परफेक्ट होगा। ओके चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे, ये है आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में फसल प्रतिरूप में प्रचलित भिन्नता के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण नहीं है। तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 84 का, ये होगा आपका डी वाला है, वेरिएशन इन एल्टीट्यूड यानी कि तुंगता में भिन्नता। तो जिनका भी आंसर यहाँ से डी आ रहा है उनका बिल्कुल राइट होगा, परफेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे, हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको बताइए आप लोग, और ये है दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न, तो कमेंट के थ्रू आज बताएगा कि आज आपके 40 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, तो किसने यहाँ पर 40 में से 20, 40 में से 30 और 40 में से बिल्कुल 40 सही किए हैं। कमेंट के थ्रू आप लोग अपना स्कोर बताएगा कि कितने क्वेश्चन आपके आज राइट हुए कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद। ओके तो निम्नलिखित महादेशों में किस एक से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है, तो ये महाद्वीप कौन सा है, 85 क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका की दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ से तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ से ए वाला बिल्कुल राइट होगा, परफेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगे, हेल्पफुल लगे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सभी लोग शेयर कीजिएगा, मिलकर सपोर्ट कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से आपके नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तो बने रहिए आप लोग आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। तब तक लिए दोस्तों नमस्कार।